How are you all? I am Nisha, teacher from Ashwami Vidyalaya. We have completed chapter number 40 and today we are going to start with chapter number 41. Science and Technology, Invention and Inventors. Yes, what do you mean by inventions? For example, the person who has found anything or research on anything or has made anything is known as invention, and the person personally is known as the inventor. यानी कि अगर जैसे कि अगर मैंने अभी कुछ ढूंढा तो जो मैंने ढूंढा है उसे हम invention बोलेंगे और मुझे inventor यानी कि हमें inventor बोलेंगे. In our world there are many persons who have done many of the inventions in our daily life and due to which our today's life is possible, right? So let's start with it. Write the correct letter to know the achievement of each scientist. They all are the scientists and their name are written here. Their name are written here and what they have found has been written here. Their name are written here and what they have done the inventions are written here. So we have to write A, B, C, D. Exam A, B, C, D mat likhna, unka invention likhna hai, theek hai? So Gabriel Fahrenheit. B, thermometer, yes. Thermometer means where the thing which we used for the getting our temperature of fever, right? The thermometer and the other thermometer are also there. Walter Hunt, E. Safety pin. Oh, they have invented the safety pins. Benjamin Franklin. D, theory of electricity. इन्होंने electricity को बारे में सर्च करके क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसके पहले theory बनाएंगे तो हम करेंगे ना उसको practically, तो उन्होंने ये found किया था. फिर थे अल्वा जॉन फिशर. G, washing machine, yes. He is the founder of the washing machine. And the washing machine is today's our basic need. हमें कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन सबके घर पे मोस्टली होता ही है. 5, मैरी क्यूरी. सी, रेडियो एक्टिविटी. यस, शी हैज़ फाउंडेड द रेडियो एक्टिविटी. एलिजा ऑटिस. एफ, एलिवेटर. इन्होंने एलिवेटर फाउंड किया था. न्यूटन्स 7, द आंसर इज एच, लॉ ऑफ ग्रेविटी. इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी मीन्स के इन्होंने हमें थियोरी दी है जो हमें 11th 12th में आती है एंड फिर बाद में साइंस के स्ट्रीम में हमेशा आती है. इनकी वजह से हम ग्रेविटी जान पाए कि हम कोई भी चीज़ फेंकते हैं ऐसे तो वो नीचे क्यों जाती है, ऐसे देखो ग्रेविटी की वजह से. एंड जो कि वो मून पर नहीं है तो जो भी स्पेस में जाता है वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है तो वो क्या होता है, हवा में घूमता रहता है ना. यस, now the next is Louis Braille. A, Braille script. इन्होंने Braille script found किया था. If you were to invent a gadget, what would it be? How it be useful to everyone? Explain this class and give your dream invention as a superb name. Okay, so आप लोगों को ये activity है वो आप लोग घर में करोगे और आपकी एक्टिविटी के बारे में आपकी मम्मी को बोलोगे कि मुझे मम्मी ये करना है, मेरे मुझे ये ढूंढना है, ऐसा जो भी हो वो आप आपका ड्रीम बता सकते हो. अमेजिंग फैक्ट. 1904 टी बैग्स वेर इन्वेंटेड. इन 1904 टी बैग्स वेर इन्वेंटेड बाय द एक्सीडेंटली. ये पूल में ये एक्सीडेंटली हो गए थे. द इन्वेंटर थॉमस सुविलियन एक्चुअली सेंट स्मॉल सैंपल ऑफ हिज टी इन द सिल्क बैग टू हिज कस्टमर. द रिसीवर थॉट दे वेर मेंट टू बी डिप्ड एंड यूज्ड.
Soon he got a bigger order. This is how tea bags come into the existence. Yes. कौन है इन्वेंटर उसका? थॉमस विलियन. बाय मिस्टेक ली, जैसे कि हमने हमें सैम्पल उन्होंने चाय का सैंपल भेजा था एक सिल्क बैग में कि भाई ये चाय कैसी है आप यूज़ करके देखो, तो आप ज़्यादा चाय मंगवाना ऐसा करके. लेकिन वो जो जिसको भेजा था उनको ऐसा लगा कि शायद इसको डिप करके पीना होगा, तो वो बाय मिस्टेकली इन्वेंशन हो गया. लेकिन यस, इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेंशन. एंड टुडे वी आर ऑल्सो यूजिंग द ग्रीन टी. यस, ग्रीन टी जो कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है कि उससे पतले होते वॉट एवर मे बी इट मे बी, बट इट इज़ अ वेरी यूजफुल गैजेट ऑल्सो. द अर्थ, यस, द चैप्टर नंबर 42 इज द अर्थ. सो इन अर्थ, अर्थ एट अ रिस्क. यस, अवर अर्थ इज सो ब्यूटिफुल प्लेस वेर ओनली लाइफ इज पॉसिबल. ड्यू टू वॉट? ड्यू टू वाटर, ड्यू टू एयर, ड्यू टू ऑक्सीजन एंड अदर थिंग्स. मेनली द पर्पज ऑफ द अर्थ इज वाटर बिकॉज इट इज ग्रीनरी एंड इट इज हैविंग अ वाटर. सो वी लिव ऑन द अर्थ. अगर सब जगह पर लाइफ पॉसिबल होती तो हम सब प्लानट पर रहते ना, लेकिन नहीं. अर्थ जो है वो हमारी एक लौती ऐसी प्लेस है जिस पर हम रह सकते हैं. सो हमें उसे खराब नहीं करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है. हम कैसे उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? बाय द एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशंस, यू नो ऑल दिस राइट? आपको ये ऑलरेडी पता है एयर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एंड बाय क्लाइमेट चेंज एंड मैनी 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 अदर थिंग्स विच आर चेंजिंग अवर प्लैनेट. एंड बाय दिस अवर अर्थ इज इन अ रिस्क. नाउ टुडे वी आर नॉट हैविंग इनफ वाटर. क्यों? Why? Because we are not growing more trees. If we will grow more trees, then we will get a more water, right? ये सब प्रोसेस आपने आपकी EVS सब्जेक्ट में पढ़ा है, right? Yes. So हमें हमारा पानी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. जैसे कि आपने देखा होगा कि स्कूल में भी हमारे वाटर डे सेलिब्रेट हुआ था, इसी लोगों के साथ कि पानी वेस्ट ना करें और हम पानी बचाएंगे तो हम पानी पियेंगे. वरना ये दुनिया में तो बहुत सारा पानी है लेकिन उसमें से कुछ परसेंट ही हम पी सकते हैं, ज़्यादा पानी पी सकते नहीं है, राइट? सो आज हम और चीज़ें जानेंगे, जैसे कि प्लास्टिक बैग का भी यूज़ हमें बंद करना है. क्यों? क्योंकि इट टेक्स मैनी ईयर्स टू डिकम्पोज अ लिटल बिट ऑफ प्लास्टिक, राइट? यस. सो लेट्स सी व्हाट इज इन द इट, फिलिंग द ब्लैंक्स टू नो द फैक्ट. देयर इज मोर डैश इन द एटमोसफियर टूडे दैन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. यस, आजकल क्या है हवा में, आजकल हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है. यस, वो किसकी वजह से है? ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन. यस, ऑलमोस्ट 80% ऑफ अर्बन वेस्ट इन इंडिया इज डम्प्ड इन टू द रिवर गंगे. यस, सी 80% ऑफ कचरा जो रिवर गंगा में बहा दिया जाता है. वाई दिस इज दे आर डूइंग? गंगा इज अ वेरी प्योर रिवर. वाई वी आर मेकिंग इट डर्टी? वाई वी आर मेकिंग अवर फिश एंड ऑल द एनिमल्स इन अ रिस्क? वाई वी आर कीपिंग अवर लाइफ इन अ रिस्क? यस. सो वेन एवर यू गो टू विजिट अ रिवर और अ सी और ओशन, वी शुड नॉट थ्रो एनी वेस्ट इन द रिवर, राइट? यस. ग्लोबल वार्मिंग इज द मेन रीजन ऑफ डैश विच आर एक्सपीरियंसिंग लेटली. क्लाइमेट चेंज, यस, ग्लोबल वार्मिंग इज द मेन रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज. जो ये ग्लोबल वार्मिंग होती है हमारे एटमोसफियर की वजह से, हमारे एयर पोल्यूशन की वजह से, एंड उसकी वजह से हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज होता रहता है. कोई भी सीजन में बारिश आती रहती है ना. यस, डैश इज द क्लीनेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ प्रोटेक्टेड बाय द एंटी पॉल्यूशन लॉज. एंटार्क्टिका, यस, इन होल वर्ल्ड द एंटार्क्टिका इज द ओनली प्लेस वेर देर इज नो टाइप ऑफ पॉल्यूशन बिकॉज इन एंटार्क्टिका देखो यहाँ पे तो पानी है, कोई ज़्यादा रहता ही नहीं है, है ना. एंड कुछ लॉस भी बनाए गए हैं कि वहाँ पे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, राइट? डैश इज वन ऑफ द बिगेस्ट किलर्स विच इज इंक्रीजिंग एट द हाई स्पीड डे बाई डे. पॉल्यूशन, यस. सो किड्स, एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? यस, हम पटाखे फोड़ते हैं उससे होता है ना. सो प्लीज किड्स,
बी अलर्ट एंड बी सेफ. ओके डैश इज डैश एंड कार पुलिंग कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड सेव मनी टू अ ग्रेट एक्सटेंट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड अ कार पुलिंग कैन रिड्यूस एयर. हम अगर पैदल चलेंगे तो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से एयर पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि गाड़ी में से, बाइक में से, कार में से भी धुआं निकलता है. डैश इज द मोस्ट निगलेक्टेड टाइप ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. जब देखो तब कोई वॉल्यूम बढ़ा कर डीजे बजाता है, क्या है ये भाई, क्या है? नो, दिस इज नॉट सच अ काइंड. सो वी शुड ऑलवेज ऑल्सो रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन ड्यूरिंग मैरिजेस. आई नो, वी नो दैट वी हैव टू इन्जॉय, बट वी कैन ऑल्सो इन्जॉय बाई द स्लो वॉल्यूम ऑल्सो. द गुड थिंग दैट इज हैपनिंग टूडे इज दैट पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ द नीड टू सेव अवर एनवायरमेंट. होल्ड अ क्लास डिस्कशन एंड टॉक अबाउट विच कैन गिव योर ओन कंट्रीब्यूशन टू. सो टुडे द थिंग इज दैट हैपनिंग दैट दैट पीपल आर बिकमिंग अवेयर. हम अवेयर हो रहे हैं और हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हमें ये सारे क्या बोले कि सब चीज़ें आगे फ्यूचर में सहन ना करनी पड़े. राइट, अमेजिंग फैक्ट. प्लास्टिक बैग एंड अदर प्लास्टिक मटीरियल्स थ्रोन इन द वाटर बॉडीज किल्स अराउंड 1 million वाटर क्रिएचर एनुअली. ओ माई गॉड, दे आर किलिंग 1 million वाटर क्रिएचर एनुअली. देखा मैंने आपको आगे ही बोला ना, येस, हम जब भी रिवर्स या कोई भी प्लेस पे जाए हमें उधर कचरा डालना नहीं है. सो किड्स, वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. Till that time, stay home, stay safe, and do your work regularly. Thank you. Have a nice day. First, we will complete this in our this book, as there is only 1, 2, and 3 chapters remaining. And then we will do slowly in our chicken out book. Thank you, kids. Bye-bye.